हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैट। आज हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वीडियो कोर्स में एक नया कंपोनेंट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ योर हिमाचल प्रदेश जीके। हिमाचल प्रदेश जीके हमारे प्रीलिम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर साल एचपी जीके में से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम एचपी जीके को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो इसको हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश पॉलिटी, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी एंड हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। मैक्सिमम सवाल हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में से देखने को मिलेंगे। यही कारण है हमारा जो एचपीजी के वीडियो कोर्स है उसमें मैक्सिमम लेक्चर्स हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री के ऊपर रहेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल नेचर, जिसका सबसे पहला टॉपिक हमारा है, दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की शुरुआत तब होगी जब हिमाचल प्रदेश एक एंटिटी के रूप में फॉर्म होगा ऑन 15 अप्रैल 1948, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री तब तक चलेगी जब तक हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा या स्टेटस नहीं मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में हिमाचल प्रदेश का स्ट्रगल राइट फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन ऑन 15 अप्रैल 1948 टिल द अटेनमेंट ऑफ फुल स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 1971, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का एक और वीडियो हमारे पास आएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ फुल स्टेटहुड डिफरेंट बने हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटूटरी बॉडीज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ में कैसे हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पार्ट 2 के रूप में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इनिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की किस तरह की थी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को समझने के लिए मैं उसको डिफरेंट 4 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं। पहला फेज हमारा रहेगा फ्रॉम 1948 to 1951। ये वो वाला फेज है जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हो चुकी थी, लेकिन अभी तक यहां के लोगों के पास प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे। प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब है कि लोग राइट फ्रॉम 1948 टू 1951 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज नहीं कर पा रहे थे, खुद इलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यहां पे चीफ कमिश्नर का रूल हुआ करता था, जो कि अनडेमोक्रेटिक और एक डिक्टेटर की तरह अपने रोल्स को परफॉर्म करता था। सेकेंड फेज हमारा रहेगा जो कि 1951 to 1956 रहेगा। ये वो वाला फेज है जब हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की इंट्रोडक्शन होगी। हिमाचल प्रदेश अपना पहला चीफ मिनिस्टर और अपने एमएलएज को चूज करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो सेकेंड फेज में हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास पहुंचने या उन लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पहले फेज को हम लोग मोर ऑर लेस एक डार्क फेज के रूप में देखते हैं। जो सेकेंड फेज है वो एक तरह से हमारा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक राइट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक पॉजिटिव फेज के रूप में जाना जाता है। जब थर्ड फेज की बात करेंगे तो थर्ड फेज में हिमाचल प्रदेश जहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, हिमाचल प्रदेश जहां पे खुद का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, अब थर्ड फेज में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और यहां पे जो चीफ मिनिस्टर या जो तुम्हारे एमएलएस थे उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनकी पोस्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं रहेंगी। तो यहां पे फिर से आपका जो सेंट्रलाइजेशन था हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का वो होना शुरू हो जाएगा। सारी पावर जो है वो सेंटर के पास जाएगी। अगेन जो हिमाचल प्रदेश के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वो उनको नहीं मिलेगा। जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज उस फाइट को, उस लड़ाई का प्रतीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिकल क्लास और हिमाचल प्रदेश के लोग कैसे फुल स्टेटहुड के लिए डिमांड रखेंगे, कैसे आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश का एरिया इंक्रीज होगा और वो एक स्टेट का दर्जा प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो फोर्थ फेज ऐसा है जहां पे हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। तो हम आज के लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को 4 डिफरेंट फेजेज में डिवाइड करेंगे और उनको समझने या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
अगर इन्हीं 5 फेजेस को मैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ कंपेयर करूं, तो हिमाचल प्रदेश का पहला इवेंट था, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि 15 अप्रैल 1948 को हो गया था, जहां पे 30 प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तो उसको गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी के रूप में फॉर्म किया, या उसको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का स्टेटस दिया। तीसरा आ जाएगा जब हिमाचल प्रदेश, थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाएगा जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा। फोर्थ इवेंट आएगा जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होगी। और फिफ्थ स्टेज आपका आएगा जब हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा या फुल स्टेटहुड का स्टेटस मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन 5 इवेंट्स या 4 फेजेस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट फेज, जो कि 1948 टू 1951 का है। फर्स्ट फेज की शुरुआत होगी जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होगी एज एन एंटिटी ऑन 15 अप्रैल 1948। इस स्पेसिफिक सिचुएशन को समझने पहले कुछ मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज थे, जिनको मैं हिली एरियाज के साथ उस जमाने के हिसाब से कंपेयर कर सकता हूं या कैटेगराइज कर सकता हूं, तो कुछ हिली एरियाज ऐसे होते थे जिनको कहा जाता था पंजाब हिली एरियाज, पंजाब हिली एरियाज। पंजाब हिली एरियाज ये वो वाले एरियाज जो पंजाब स्टेट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। दूसरे कहा जाते थे शिमला हिली एरियाज, शिमला हिली एरियाज, शिमला हिली एरियाज। क्लियर? अब देखिए, जो रूलर्स थे, जो प्रिंस थे फ्रॉम पंजाब हिली एरियाज, जहां पे आपकी 4 प्रिंसली स्टेट्स इन्वॉल्व थी, और जो प्रिंस थे तुम्हारे शिमला हिली एरियाज के, जहां पे 26 अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इनिशियल स्टेजेस पे इन्वॉल्व थी, इन लोगों ने मिलके ऑन 15 अप्रैल 1948 को, तो मतलब टोटल कितनी स्टेट्स होंगी तुम्हारी प्रिंसली स्टेट्स होंगी, 30 प्रिंसली स्टेट्स होंगी, जिनमें से 4 प्रिंसली स्टेट्स पंजाब हिली एरियाज की थी और 26 प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो शिमला हिली एरियाज की थी। इन्होंने मिलके हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की। अगर मैं पंजाब हिली एरियाज की बात करूंगा तो इनमें जो स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो आपकी 4 इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करती थी, उनमें से एक स्टेट का नाम था, प्रिंसली स्टेट का नाम था सिरमौर, दूसरी का नाम था चंबा, तीसरी का नाम था सुकेत, चौथी का नाम था मंडी। क्लियर? और बाकी तुम्हारी आ गई सारी के सारी जो शिमला हिली स्टेट्स थी। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है तो यहां पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के देखो कौन कौन सी हैं। पहली जो कि सिरमौर, पंजाब हिली प्रिंसली स्टेट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी चंबा, तीसरी डिस्ट्रिक्ट ये जो सुकेत और मंडी है, ये साथ साथ ही लगता है, आज भी तुम्हें सुकेत जो है वो मंडी के अंदर देखने को मिलता है। तो तीसरी डिस्ट्रिक्ट जो बनेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होगी, वो बनेगी तुम्हारी मंडी। तो इनिशियल स्टेजेस पे पंजाब हिली एरियाज, जहां से 4 प्रिंसली स्टेट्स आई थी, वहां से हम लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को एस्टेब्लिश किया। और जो शिमला हिली एरियाज थे या जो शिमला प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पे हमारी 4th डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन होगी, जिसका नाम होगा महासू, MAHASU, महासू। तो इस तरह से इनिशियल स्टेजेस ऑन 15 अप्रैल 1948, 30 प्रिंसली स्टेट्स मिलके हिमाचल प्रदेश बनाएंगी, जिनमें 4 प्रिंसली स्टेट्स थी पंजाब हिली एरियाज थे, 26 थी शिमला हिली एरियाज थे, और बाद में वो बनेगी हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको जो बेसिक इनिशियल जो कंसेप्ट है या जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है, वो थोड़ा समझ आया होगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका फॉर्म हुआ। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सी कहानी, जब हिमाचल प्रदेश की एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑन 15 अप्रैल 1948, तो हिमाचल प्रदेश को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी का स्टेटस दिया जाता है। सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी का मतलब क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी का मतलब है इसकी जो मेन पावर होगी वो होगी चीफ कमिश्नर के पास। उस जमाने में जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे वो ICS ऑफिसर हुआ करते थे, जो बाद में IAS में जिसको कन्वर्ट किया गया। तो जो मॉडर्न IAS है वो अपनी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकता है फ्रॉम ICS ऑफिसर्स। तो चीफ कमिश्नर उस स्पेसिफिक टाइम पे ICS ऑफिसर्स हुआ करते थे। जैसे सबसे पहले जो चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था NC मेहता। तो जब इनिशियल स्टेजेस में एनसी मेहता को चीफ कमिश्नर बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, तो मैक्सिमम पावर जो थी वो चीफ कमिश्नर के हाथ में ही हुआ करती थी।
चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। एडवाइजरी काउंसिल में टोटल 9 मेंबर्स थे। उन 9 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे और जो 6 मेंबर्स थे वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव थे। इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम था YS परमार। आई होप आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। क्लियर। तो कहानी यहाँ पे सिंपल सी थी कि चीफ कमिश्नर एक तरह से, जो कॉलोनियल रूल तो हमारा खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी जो कॉलोनियल माइंडसेट था जहाँ पे मैक्सिमम पावर सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी एट द हैंड्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर, उसी तरह से जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी थी यहाँ पे भी जो मैक्सिमम पावर थी वो चीफ कमिश्नर के हाथ में ही हुआ करती थी। एडवाइजरी काउंसिल जो मोर और लेस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे या प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी बात को नहीं माना जाता था। यही कारण था कि ये जो 6 लोग होंगे जो कांग्रेस पार्टी को बेसिकली रिप्रेजेंट किया करते थे, ये जो 6 लोग थे ये इस चीज से फ्रस्ट्रेट होके, जो अनडेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ चीफ कमिश्नर थी उससे परेशान होके अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे या जो एडवाइजरी काउंसिल है उसको छोड़ देंगे। क्लियर। तो ये थोड़ी सी कहानी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उससे रिलेटेड हैंडआउट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो कौन कौन से लोग उस स्पेसिफिक टाइम पे एडवाइजरी काउंसिल में इन्वॉल्व थे, वो 9 मेंबर्स कौन से थे, उसके बारे में उन हैंडआउट्स में मेंशन है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो 3 आपके प्रिंसली रूलर्स थे उनमें से एक था राजा ऑफ मंडी, जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। दूसरा था राजा ऑफ चंबा, जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। तीसरा था राजा ऑफ बाघाट। बाघाट जो है वो आज आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाघाट का जो राजा था उसका नाम था दुर्गा सिंह। उसी तरह से जो 6 लोग इन्वॉल्व थे जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मेनली कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे उस टाइम पे, उनमें से एक का नाम तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, दैट इज योर YS परमार। दूसरे का नाम है पद्मदेव, तीसरे हैं शिव चंद, फोर्थ हैं श्रीमती लीलावती, फिफ्थ है स्वामी पूर्णंद एंड सिक्स्थ है अवतार चंद। फिर से नाम लेता हूँ, YS परमार, पद्मदेव, शिव चंद, श्रीमती लीलावती, स्वामी पूर्णंद एंड अवतार चंद। तो ये 6 लोग जो थे वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे इन एडवाइजरी काउंसिल। आप देखिए जिस तरह से आपके एग्जाम का नेचर है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल, फैक्चुअल प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जो था वो आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था। क्लियर। तो वापस आइए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे चीफ कमिश्नर या जब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी बनी तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि मैक्सिमम पावर किसके पास थी, चीफ कमिश्नर के पास थी। एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ एडवाइस करने के लिए रखी गई थी, उसकी जो डायरेक्शंस थी उनकी कोई भी ऑब्लिगेशन चीफ कमिश्नर के ऊपर नहीं हुआ करती थी। पहले चीफ कमिश्नर का नाम था, दैट इज योर एन सी मेहता। उसके बाद 2 और चीफ कमिश्नर रहे टिल 1951, जब तक हिमाचल प्रदेश का स्टेटस जो है वो फ्रॉम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी से पार्ट सी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। एनसी मेहता के बाद जो अगले आपके एनसी मेहता के बाद जो नेक्स्ट आपके कमिश्नर आएंगे उनका नाम है पेंड्रियल मून, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आएंगे उनका नाम है मिस्टर भगवान सहाय। ठीक है, तो 3 आपके चीफ कमिश्नर होंगे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। लास्ट आपके थे भगवान सहाय। क्लियर। तो ये आपका जो पहला फेज था, फर्स्ट फेज, जहां पे जो अनडेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक रूल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसको हम लोग कभी भी हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ब्राइट फेज के रूप में नहीं देखते हैं। क्लियर। अब देखिए 1951 के बाद जो सेकेंड फेज आएगा उसको हम लोग एक पॉजिटिव फेज के रूप में देखते हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड फेज की अगर बात की जाए जो कि 1951 टू 1956 के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1951 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता है इन 1950, उसके बाद ऐसा डिसाइड किया जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो इंडिया है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। वो 4 अलग अलग पार्ट्स थे, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स एंड पार्ट डी स्टेट्स। तो ऐसा डिसाइड किया जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको पार्ट सी स्टेट का दर्जा या स्टेटस दिया जाएगा।
तो ऑन 1 मार्च 1951 जब डिसाइड किया गया कि हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं और उनसे पॉलिसीज या उनसे अपने वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनवा सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है कि अब हिमाचल प्रदेश जो है वो एमएलएज के साथ अपना चीफ मिनिस्टर चूज कर सकता है, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड था वो पोजीशन क्रिएट की गई, दैट वाज योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो चीफ कमिश्नर होता था उसकी पोस्ट को खत्म कर दिया गया। अब दो नई पोस्ट बनी, एक पोस्ट जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, दैट वाज योर चीफ मिनिस्टर, और दूसरा वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज किया जाएगा, और उस पोस्ट या उस डेजिग्नेशन को कहा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 1 मार्च 1951 में ये डिसाइड किया गया कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए वो हुए 1952 में, पहले जनरल इलेक्शन, जहां पे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो सीट्स थी वो थी 36। ये याद रखना, ये एक बार हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा चुका है कि जब फर्स्ट इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होते हैं 1952 में, तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीट्स थी। तो कितनी सीट्स थी तुम्हारी, 36। और जब इलेक्शन हुए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और आपके देश के, आपके प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने, दैट वाज योर YS परमार। इसके साथ दो और मिनिस्टर भी बने थे, एक मिनिस्टर का नाम था पंडित पदमदेव और दूसरे मिनिस्टर का नाम था गौरी प्रसाद। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में इनिशियल स्टेजेस में 3 मेंबर्स मिनिस्ट्री बनी थी, एक सीएम थे और दो वहां पे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को वैसे भी पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए, यहां पे एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। बैकग्राउंड स्टोरी में क्या है कि जब 1948 में हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 30 प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, कि 30 प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाया, उस स्पेसिफिक टाइम पे एक और हिली स्टेट हुआ करती थी, एक और हिली प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जिस प्रिंसली स्टेट का नाम था बिलासपुर। जिस प्रिंसली स्टेट का नाम था बिलासपुर, बिलासपुर के राजा हुआ करते थे अनंतचंद। अनंतचंद हिमाचल प्रदेश के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे, यही कारण था कि बिलासपुर को अलग से 1948 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी के रूप में जो है वो क्रिएट किया गया था। तो एक हिमाचल प्रदेश बना था और साथ में जो बिलासपुर वाला एरिया है उसको अलग से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। नॉर्मली ऐसा होता था, जो चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का था वही चीफ कमिश्नर हुआ करता था सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी ऑफ बिलासपुर का। क्लियर। अब कहानी क्या है, जब 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का स्टेटस मिला, उसी स्पेसिफिक टाइम पे बिलासपुर को भी पार्ट सी का स्टेटस मिला। पर प्रॉब्लम क्या थी कि बिलासपुर का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, और इस दौरान 50s के स्टार्टिंग में यूनियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल कमिटीज बनानी शुरू कर दी थी। उन कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस में ये लिखा गया था कि कोई या किसी स्पेसिफिक एरिया को अगर स्टेट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन या क्या क्या क्राइटेरिया जो है फुलफिल होने चाहिए। बिलासपुर जिसका साइज कम था वो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करता था, यही कारण है ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर जो है उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश जिसमें अभी तक सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब एक नई डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर ऐड हो रही है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिलासपुर। तो इस तरह से बिलासपुर के ऐड होने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो होंगे तुम्हारी 5। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हम लोग ये भी देख रहे हैं, स्टेटहुड का तो पूरा जर्नी तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स किस तरह से इंक्रीज हो रही हैं उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ एक छोटी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये डायरेक्टली आपका एचएएस के अंदर सवाल पूछा जा चुका है। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन को फाउंड किया जाता है। पब्लिक रिलेशन को बनाने का या क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण ये था ताकि जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों के साथ सरकार का रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। इसके लिए 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब देखो, आई थिंक तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हिमाचल में जो प्रिलिम्स में सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पर डायरेक्टली आपको ईयर, वहाँ पर डायरेक्टली आपको नाम किसी एक इंसान का पता होना चाहिए, तभी आप उन सवालों के जवाब दे पाओगे।
तो ये है तुम्हारा सेकंड फेज़, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, हिमाचल प्रदेश को अपना चीफ मिनिस्टर मिला, हिमाचल प्रदेश को पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला। उस ज़माने में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह, पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता, पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता, क्लियर, और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह, मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह, क्लियर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। और हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इससे रिलेटेड हैंडआउट दिया जाएगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपके रिवीजन पर्पसेस के लिए रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ लेक्चर को सुनिए, कंसेप्ट समझिए, जो टाइमलाइन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अगर छोटे शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में तो आप बना सकते हो, स्टडी मटेरियल हैंडआउट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए थर्ड फेज के ऊपर आते हैं, दैट इज फ्रॉम 1956 टू 1966। अब थर्ड फेज को शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी डिस्कस करते हैं कि यूनियन लेवल के ऊपर, सेंटर लेवल के ऊपर उस स्पेसिफिक टाइम पे हो क्या रहा था। कहानी सिंपल सी ये थी कि यूनियन लेवल के ऊपर 1955 में एक कमीशन बनाया गया था जिसको कहते हैं हम SRC, दैट वॉज योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके चेयरमैन थे फैजल अली, उसको बनाया गया था कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाए, किस स्टेट को या किस स्पेसिफिक एरिया को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, किसको दर्जा ना दिया जाए। जब SRC 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वो कहेगा कि इंडिया जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए इंस्टेड ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि पहले इंडिया जो था आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आपका फोर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का स्टेटस दिया गया था। SRC जो है वो रिकमेंड करेगा कि पूरे का पूरा जो इंडिया है, पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक स्टेट्स में और दूसरा यूनियन टेरिटरीज में। तो आज जो आप यहां पे स्ट्रक्चर देखते हो गवर्नेंस का, जहां पे पूरा इंडिया मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, वो SRC की ही रिकमेंडेशन थी। SRC जो है वो पंजाब के ऊपर अपनी क्या स्टेटमेंट पास करता है, पंजाब के ऊपर ये वो ये स्टेटमेंट पास कर रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के या जो हिमाचल प्रदेश एक एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है उसको पंजाब स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि हिमाचल जो है उसका साइज उतना बड़ा नहीं है जिसके कारण उसको हम एक अलग से स्टेट का दर्जा दे सके, और ना ही हमें उसको यूनियन टेरिटरी रखना चाहिए क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और यूनियन टेरिटरीज के जो क्राइटेरिया है वो हिमाचल प्रदेश फुलफिल नहीं करता है। पर जो चेयरमैन थे SRC के, उन्होंने इसके खिलाफ प्रस्ताव को जो है इस स्पेसिफिक प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और उन्होंने मना किया कि हिमाचल प्रदेश जिसकी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको पंजाब के साथ मर्ज ना किया जाए। तो SRC की रिकमेंडेशन के बाद, जो कि मेजोरिटी ये कह रही थी कि पंजाब के साथ मर्ज किया जाए, चेयरमैन के बोलने के बाद हिमाचल प्रदेश को पंजाब के अंदर मर्ज नहीं किया गया या उसको मर्ज नहीं करने की सजेशन जो है वो कमीशन के द्वारा दी गई। अब जो SRC जो कि 1955 में बना था उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तब हिमाचल प्रदेश को स्टेटस दिया जाता है किसका, यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी के बनने का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का खत्म होना, अब आपके पास चीफ मिनिस्टर नाम की कोई भी पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी पोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मैक्सिमम पावर जो है वो इसके पास चली जाएंगी। और हाँ, यहां पे ऐसा नहीं था कि जो इलेक्टेड बॉडीज थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिप्लेस किया गया। अब यहां पे ध्यान रखोगे आप लोग, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिप्लेस किया गया विद टेरिटोरियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्लेस किया गया विद टेरिटोरियल काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल जिसके अंदर 42 मेंबर्स थे, उनमें से 40 मेंबर्स इलेक्टेड थे और दो लोग जो थे वो तुम्हारे थे नॉमिनेटेड, क्लियर। टेरिटोरियल काउंसिल 42 मेंबर्स, 40 इलेक्टेड एंड 2 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड। टेरिटोरियल काउंसिल के जो पहले चेयरमैन बने उनका नाम था करम सिंह, पहले चेयरमैन जो बने उनका नाम था करम सिंह, क्लियर डन।
तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की रिप्लेसमेंट की गई टेरिटोरियल काउंसिल। लेकिन कहानी यहाँ पे थी कि पहले जब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों हुआ करते थे, नो डाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ा पावरफुल था एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, बट फिर भी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ स्पेसिफिक पावर्स हुआ करती थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से उनको वो डिराइव करती थी। बट जब टेरिटोरियल काउंसिल बनी और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तब सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी जो है वो कौन सी उभर के सामने आई, दैट इज योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपके पास टेरिटोरियल काउंसिल तो रही जो कि इलेक्टेड मेंबर थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास कोई भी रियल पावर नहीं थी। तो यहां पे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे हिमाचलियों के, उनकी कहीं ना कहीं वायलेशन हुई थी। यहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, यहां के जो लोग थे, वो यूनियन पार्लियामेंट के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने उसके बाद रेगुलरली प्रोटेस्ट दर्ज करवाया पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको फिर से रीइंस्टेट किया जाए। उसकी कहानी को आगे थोड़ी देर में हम लोग बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहां तक अभी आई होप आपको यहां तक कहानी समझ आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बन चुका है। कैसे यूनियन टेरिटरी बना, उसके लिए 1956 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था जिसमें पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक आपके थे स्टेट्स एंड सेकेंड आपके थे यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, फर्स्ट में 1960 की बात है, फर्स्ट में 1960 को जो हमारा महासू डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, याद है महासू डिस्ट्रिक्ट में क्या शामिल हुआ था, महासू डिस्ट्रिक्ट में जो 26 शिमला हिली स्टेट्स थी उनको मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, दैट वाज महासू। महासू के अंदर एक तहसील थी जिस तहसील का नाम था चिनी। अब कहानी कहती है कि महासू का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। जैसे किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर जो है वो बहुत डिस्टेंट, थोड़ा दूर वाला एरिया है और साइज वाइज देखी जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो महासू के अंदर चिन्नी तहसील हुआ करती थी, तो इन्होंने क्या किया, महासू को दो हिस्सों में, या महासू से एक हिस्से को, एक तहसील को काट के हिमाचल प्रदेश की एक नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम था किन्नौर। तो इस तरह से ऑन फर्स्ट में 1960 हिमाचल प्रदेश में नई डिस्ट्रिक्ट ऐड होती है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीज होती हैं 6। तो ये ध्यान रखो, ये जो सीक्वेंस है कि कब कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे ऐड हुई। अब देखिए, मैं जो आपको कह रहा था कि जब हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल बनी तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो डिमांड कर रही थी कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स है उनको रीइंस्टेट किया जाए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उनको वापिस किया जाए। क्लियर। अब यूनियन गवर्नमेंट ने उस जमाने के जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, दैट वॉज योर AK सेन, तो AK सेन को अपॉइंट किया इन स्पेसिफिक जो यूनियन टेरिटरीज की डिमांड थी। कहानी सिंपल सी है कि जैसे हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उस टाइम पे काफ़ी और भी पार्ट सी स्टेट्स थी जिनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। तो वो स्टेट्स या वो यूनियन टेरिटरी जो पहले स्टेट्स थी उनके पास अपना CM हुआ करता था, वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को फिर से रीइंस्टेट किया जाए, जिसके लिए उस जमाने के, उस टाइम के लॉ मिनिस्टर AK सेन, अशोक कुमार सेन, उनको अपॉइंट किया जाता है इनकी डिमांड को देखने के लिए। AK सेन रिकमेंड करता है टेरिटोरियल काउंसिल्स के पास उतनी ही पावर दी जाए जितनी पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास थी, और साथ में वो ये भी कहता है कि अगर कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर से रीइंस्टेट किया जाए, फिर से डाला जाए, इवन वो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस उनका बरकरार रखा जाए, लेकिन लोगों को जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए, तो इस AK सेन की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1963 में एक एक्ट पास करती है। वो एक्ट था याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 क्या कहता है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज में जहां पे पार्लियामेंट चाहेगी वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशन हो सकती है। इस एक्ट के पास होने के बाद हिमाचल प्रदेश में ऑन 1 जुलाई 1963 इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1956 में ख़त्म हो गई थी उसको रीइंस्टेट किया जाता है। इलेक्शन हो रहे हैं, हुए, और उसके बाद YS परमार जो है वो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके अलावा दो और नए मिनिस्टर्स इनके साथ ओथ लेते हैं। एक मिनिस्टर का नाम था ठाकुर करम सिंह और दूसरे मिनिस्टर का नाम था हरी दास। तो तीन मिनिस्टर, थ्री मिनिस्ट्री जो पहले भी हुआ करती थी, 1952 में भी बनी थी, उसी तरह की थ्री मिनिस्ट्री जो है, या थ्री मेंबर मिनिस्ट्री जो है वो फिर से 1963 इलेक्शंस के बाद जो है वो आपकी क्रिएट की जाती है। क्लियर। तो देखो, हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं जो है वो 1963 में जो राइट्स उसके लॉस्ट हुए थे उनको फिर से जो है वो वापस हासिल कर लेता है। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश जो है वो उसका साइज उतना ज्यादा नहीं है जो कि सेंटर के द्वारा फॉर्म की हुई कमिटीज के अकॉर्डिंगली स्टेट बनने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो यही कारण था हिमाचल प्रदेश अभी तक एक यूनियन टेरिटरी के रूप में ही काम कर रहा था।
उसके बाद जो फोर्थ फेज जिसकी शुरुआत होगी 1966 में, 1966 में एक इंपॉर्टेंट घटना हमारे देश के अंदर घटती है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है 1965 में अंडर हुकुम सिंह, जो पंजाब सूबे की जो अलग डिमांड थी जिसमें कहा जाता था कि हिंदी भाषी लोगों को अलग किया जाए, उस डिमांड को सुनने के लिए उसको बनाया गया था। हुकुम सिंह कमेटी ने जो पंजाब सूबा की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। हुकुम सिंह की रिकमेंडेशन के बाद एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया। बाउंड्री कमीशन का काम था कि पंजाब और हरियाणा, जो नए स्टेट बना था एक हरियाणा, उसके बीच में एरियाज को डिवाइड करना। तो उस कमीशन का नाम था J.C. शाह कमीशन। J.C. शाह कमीशन 1966 में बनता है। ये हरियाणा और पंजाब के बीच की बाउंड्रीज को डिसाइड करता है। इसके साथ ये कमीशन ये भी डिसाइड करता है कि कुछ एरियाज जो कि हिली एरियाज हैं लेकिन अभी तक पंजाब के साथ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांगड़ा है, लाहौल एंड स्पीति है, कुल्लू है, शिमला है, जो एरियाज जो हैं हिली लेकिन अभी भी पंजाब के साथ हैं, उनको हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी है उसके साथ मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे डिसाइड होता है 1966 में, जब पंजाब की फॉर्मेशन और पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य जो है वो अलग हो रहे हैं, तब पंजाब के जो हिली एरियाज थे जो अभी तक पंजाब के साथ थे उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो अपनी आइडेंटिटी है उसको एक्सट्रैक्ट करता है हिली एरिया से, पहाड़ी एरिया से। तो यही कारण है पंजाब और जो हिली एरिया जिनका कल्चर काफ़ी हद तक डिफरेंट है, उन एरियाज को अलग करके हिमाचल प्रदेश के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इनको मर्ज कर दिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का साइज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो कंडीशंस थी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के स्टेट का स्टेटस प्राप्त करने की या स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त करने की, अब हिमाचल प्रदेश उन कंडीशंस को मोर और लेस फुलफिल करना शुरू कर देगा। तो 1966 में, ऑन 1 नवंबर 1966, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ J.C. शाह कमीशन, आपकी फोर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हिल्स जो थी वो इंटीग्रेट होती हैं हिमाचल के साथ। उनमें से पहली डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल एंड स्पीति, जहाँ पे दो तहसील थी, एक तहसील का नाम था लाहौल, दूसरी तहसील का नाम था स्पीति। दूसरी डिस्ट्रिक्ट आपकी ऐड होती है, दैट वाज योर शिमला। शिमला में आपका शिमला जो आज का इस मॉडर्न जो सिटी है शिमला की वो, साथ में कंडाघाट, और तीसरा आपका नालागढ़। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड आपका आ गया कांगड़ा। कांगड़ा में आपकी कांगड़ा तहसील, पालमपुर तहसील, नूरपुर तहसील, देहरा तहसील, हमीरपुर तहसील, और ऊना, ऊना जो कि आपकी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया करती थी, ऊना को भी इन्होंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मर्ज किया। उसके बाद आ गया आपका कुल्लू। कुल्लू के अंदर आपकी कुल्लू तहसील, एक तहसील और तीन सब तहसील आ जाएंगी, एक बंजर सब तहसील, अन्नी सब तहसील और निर्मण सब तहसील। तो इस तरह से ये चार नई डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 नवंबर 1966 हिमाचल प्रदेश के अंदर एड हो रही हैं। और यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रखना, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन जब ऑन 1 नवंबर 1966 में ये चार नई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐड होंगी तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो बन जाएगा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो आज भी हिमाचल प्रदेश का इस स्पेसिफिक टाइम पे भी इतना ही एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो मॉडर्न या आज का जो एरिया है हिमाचल का, वो कब आपका क्रिएट हुआ था, वो हुआ था ऑन 1 नवंबर 1966। तो इसी के साथ अभी तक हम लोगों ने देखा कि टोटल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तक हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी थी जब किन्नौर ऐड हुआ था, अब 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर इंक्रीज हो रही हैं 10। क्लियर। अब यहां पे क्या कहानी है कि हिमाचल प्रदेश जो कि यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के अंदर 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स की एंट्री, यूनियन टेरिटरी जहां पे ऑलरेडी इलेक्शंस होने तुम्हारे शुरू हो चुके हैं, जहां पे अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जब यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे अब इन 1967, क्योंकि अब पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिमाचल में ऐड हो चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है जो लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी हमारी इंक्रीज होंगी। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तो टोटल सीट्स कितनी थी, 36। जब बिलासपुर ऐड होगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी 41। क्लियर। तो बिलासपुर का ऐड होने के बाद 5 सीटें ऐड हुई थी तो टोटल 41 सीट्स थी जब बिलासपुर हिमाचल के अंदर ऐड किया जाएगा इन 1954।
उसके बाद जब टेरिटोरियल काउंसिल बनेगी, टेरिटोरियल काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी 42। तो 1966 तक टेरिटोरियल काउंसिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट होगी तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 42। लेकिन जब 1966 में पंजाब के एरियाज हिमाचल प्रदेश में ऐड होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो हो जाएंगी तुम्हारी 63। इन 63 सीट्स में से 60 लोग जो हैं वो इलेक्टेड होंगे और 3 लोग जो हैं वो कौन होंगे, तुम्हारे नॉमिनेटेड होंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब 1967 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होंगे आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ पंजाब हिली स्टेट्स इनटू हिमाचल प्रदेश। तो 1967 के इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 63, 60 मेंबर्स वर इलेक्टेड और 3 लोग जो थे वो नॉमिनेट किए जा रहे थे, किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। क्लियर। और हाँ, जो उस जमाने में, अब कहानी क्या थी कि जैसे फॉर एग्जांपल जो 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 एरियाज या जो जो टेरिटरीज हिमाचल के अंदर ऐड हो रही थी, उन टेरिटरीज के अगर कोई मिनिस्टर थे पंजाब की गवर्नमेंट में, उन मिनिस्टर्स को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर बनाया गया। जैसे दो इन लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ, एक का नाम था लालचंद प्रार्थी। तो ये जो लालचंद प्रार्थी थे, ये कुल्लू से मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जब कुल्लू हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेट हो गया तो जो कुल्लू के मिनिस्टर पंजाब की कैबिनेट में, पंजाब की गवर्नमेंट में हुआ करते थे, अब उनको हिमाचल की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया गया, जिनमें एक का नाम था लालचंद प्रार्थी और दूसरे का नाम, जो कि कांगड़ा से थे, उनका नाम था बख्शी प्रताप सिंह। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश, जहां पे टोटल स्ट्रेंथ 3 मेंबर्स या 3 मिनिस्टर हुआ करते थे, अब 2 नए मिनिस्टर ऐड हुए। ये वो मिनिस्टर थे जो वैसे पंजाब के मिनिस्टर थे, पर क्योंकि उनके एरियाज हिमाचल में इंटीग्रेट हो गए थे तो उनको हिमाचल की मिनिस्ट्री में भी जगह मिली। नाम है लालचंद प्रार्थी एंड बख्शी प्रताप सिंह। क्लियर। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो टोटल साइज है वो इंक्रीज होता है। अब हिमाचल प्रदेश का साइज इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जब भी स्टेट्स की फॉर्मेशन की जाती है तो उसके लिए यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। उन कमेटीज ने डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें से कुछ कंडीशन थी कि ज्योग्राफिकल साइज या ज्योग्राफिकल कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बायबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए कि अपना खर्चा खुद निकाल सके, एडमिनिस्ट्रेटरी भी जो है वो एक तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश जब पंजाब हिली एरियाज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश एक तरह से अब अपने आप, अपनी जो डिमांड थी फॉर द फुल स्टेटहुड, उसको आगे रख सकता है। वाई एस परमार, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तीसरी बार 1967 इलेक्शन के बाद फिर से एक बार आपके चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इस डिमांड को पुरजोर से जो पार्लियामेंट है उसके सामने पेश करना शुरू कर दिया। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी उनके सामने पेश करना शुरू कर दिया। ऑन 24th जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, 68 को एक रेजोल्यूशन पास करती है और कहती है कि हिमाचल को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, फुल स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए। इस डिमांड के ऊपर यूनियन पार्लियामेंट 18th दिसंबर 1970 को एक एक्ट पास करती है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। इस एक्ट का मतलब था, जैसे ही एक्ट पास हुआ इसका मतलब कि अब हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश को फाइनली पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है ऑन 25th जनवरी 1971, जहां पे इंदिरा गांधी रिज का जो आपका मैदान है शिमला का, वहां पे अनाउंस करती है, वहां पे इनॉग्रेट करती है हिमाचल प्रदेश को एज ए फुल स्टेट। तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड डे है वो हम 25th ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और हिमाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन डे है वो 15th ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक एंटिटी के रूप में फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ कहानी है, ये स्टोरी है जैसे हिमाचल प्रदेश को किस तरह से फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। 1972 में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में रीशफलिंग हुई। अभी तक हमारे हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थी वो 10 थी। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे नाम लेता हूं, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है महासू, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिमला। अब कहानी क्या है, महासू के कुछ एरियाज को, अब महासू को तोड़ा जाता है, महासू का कुछ एरिया शिमला डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर दिया जाता है और जो महासू का बचा हुआ एरिया है उसको नाम दे दिया जाता है सोलन का। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो 10 ही रही, महासू का कुछ एरिया शिमला को चला गया, शिमला डिस्ट्रिक्ट को चला गया, और कुछ एरिया जो बचा उसको हमने नाम दे दिया सोलन। इसके साथ जो कांगड़ा है, कांगड़ा की जो दो तहसील थी, एक थी हमीरपुर और एक थी ऊना, इनको दो अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में जो वो क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से हिमाचल में दो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होगी तुम्हारी 12।
तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो थी, पूरी कहानी थी ये थी कि हिमाचल प्रदेश को किस तरह से फुल स्टेटहुड का जो है वो स्टेटस मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं इनिशियली डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग अपनी जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है उसमें पॉलिटी को पहले आगे बढ़ाएंगे, फिर हम धीरे धीरे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एक एक सेक्शन को उठा के जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा जो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री सेक्शन है उसके ऊपर। तो चलिए आज के लेक्चर को मैं यहीं पर ही कंक्लूड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।